अपने यहाँ बना रही थी मैं तो, ये मेरे बनना है, फिर सेंड करना पड़ेगा ना। तो यहाँ मैडम तैयार हो गई हैं। तैयार ही हुए हैं, पहुँचे नहीं हैं। स्कूटी कहीं कुछ यहीं खड़े हुए, पानी की पी रहे हैं। आप लोग भी आ जाइए, पानी ठंडा ठंडा। तो बहुत टाइम हो गया, मम्मी डांट रही हैं। अब बोलो, कोई आए ना आए, माँ बाप आ जाते, चाहे दुनिया छोड़ दे, माँ बाप नहीं छोड़ता। राइट, मुझे किसी से मतलब नहीं है। मैं भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आ रही थी। मैं तो आई हूँ ना, तो बस यही कहना चाहती हूँ। अब आप लोग समझ गए होंगे मुझे नहीं किसी से। वो और अब इसे ले जाऊंगी स्कूटी पे बिठा के। एवरी थी, अगर वीडियो में बोला कि मैंने तेरी साड़ी पहन रखी, तो क्या हुआ? बहन बहन सबकी पहन, हाँ मैंने इसी की साड़ी पहन रखी, सबको पता है। ये साड़ी में रील वगैरह डाली है हमने। हाँ, इसमें मिल गई तो जल्दी आ। अरे स्कूटी जहाँ है, किसकी ले लेगी स्कूटी? पता नहीं किसकी स्कूटी लेके जा रही है। जो ज्यादा गोरा है उसने बिल्कुल किया ही नहीं कुछ, उसको करने की जरूरत क्या है? हाँ, और हाथ पान से ही पहुँचना है, पैदल ऐसा ना पहुँचना है। मैं स्कूटी की चाबी मुझे दे दे। भैया मम्मी को फोन आया हो दोबारा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? और आपके अपने चैनल में आप सबका स्वागत है। यहाँ पे खाने पीने की तैयारी चल रही है, सब प्रसाद वगैरह सब कुछ हो गया था, जैसा कि आपने आगे वाले ब्लॉग में देखा। और इस ब्लॉग में भी मैंने रियल आवाज़ रखी, क्योंकि मैं मुँह से बोलूँगी वो इतने अच्छे से नहीं समझा पाऊँगी। जो रियल में हुआ है उसके साथ आवाज़ सुनेंगे, सब कुछ देखेंगे तो अच्छा लगेगा। आज बहुत सारी मस्ती की, बहुत सारे लोगों ने डांस किया। मेरी नानी 80-90 से भी ऊपर हो चुकी, उन्होंने डांस किया है। तो वीडियो अच्छी लगे ढेर सारा अपना प्यार दीजिएगा, और अपना वो अपने व्हाट्सएप पे जहाँ पे से भी आप एक्टिव, वहाँ पे शेयर कीजिएगा और ढेर सारा लाइक करिएगा। और सब्सक्राइब और बेल आइकन के बिना तो बिल्कुल भी मन जाइएगा। यहाँ पे मैं मोनिका के साथ काम में लगी हूँ, मम्मी बैठी हुई हैं। और मोनिका ने बहुत सारा किया था, क्योंकि मैं तो हवन पे बैठी ही हुई थी। यहाँ पे ये नींबू मिर्ची वाली आंटी आई थी, तो उनसे ये लगवा लिया था और उनको भी प्रसाद दिया था। प्रसाद हमने थोड़ा नहीं बनाया था, बहुत सारे बनाए थे। और उससे अगले वाले ब्लॉग में आपने देखा था, हमने लड्डुओं के छोटे छोटे बॉक्स बनाए थे, उनमें लड्डू रखे थे, जो कि अभी हम ढोलक बजाएंगे शाम को। तो उसके साथ उनको सब, हम सब लोगों को वो हाथ में लड्डू देते हुए अच्छे नहीं लगते, तो हम वो बॉक्स लड्डू के साथ, लड्डू बॉक्स में रख के डिब्बे में, लड्डू वाले में, उनको सबको देंगे। बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से, बहुत सारी मस्ती के साथ हमने ये सब किया है। बहुत सारा कुछ किया था, पर आपको पता है जब ये सब काम करो और मोबाइल लेके बैठे रहो तो काम नहीं हो पाता। तब भी बहुत सब कुछ, वो जहाँ तक हो सका, इतनी अच्छी अच्छी मेमोरी सब कुछ मोनिका ने, सॉरी मेरी वंशिका ने और मेरी दीदी की लड़की ने, इन्होंने कोशिश की है वीडियो बनाने की, और मेरे भाई ने, इन सब ने वीडियो बनाई है। मैंने मोबाइल नहीं ले पाया है, जो भी मैं आमने सामने से बात कर रही वही मैंने वीडियो बनाई, और सब मेरी तीनों बच्चों ने बनाई है। तो ये सब है, बर्तन धोए हैं, बर्तन रख दिए थे। और हम यहाँ पे एक दिन पहले सारा सामान मतलब चूल्हा और वो प्रसाद बनाने का और प्लास्टिक की प्लेटें लिया है, तो उन सब में खाना खिलाया था। और हमने कन्याएं बिठाई थी और पंडित जी को, उसके बाद हमने खाया था, मतलब जो जो घर के लोग थे वो। और आपके बहुत सारे आप लोग सवाल कर रहे हो, उनका मैं जवाब दूंगी, थोड़ा सा फ्री हो जाऊँ। अभी बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ, तो इसीलिए तो चलिए यहाँ पे खाने की तैयारी। मैं कन्याओं को, देखिए सभी को घर घर से बुला के लाना पड़ेगा, तो मैं उनको बुलाने के लिए जा रही हूँ। बुला के तब तक मोनिका तैयारी कर लेंगी। और उसके बाद बहुत तेज़ धूप थी, बहुत ज़्यादा तेज़ थी, सामने मामा बैठे हुए हैं। अब वो तो शुक्र करो पंखा सारा काम हो गया, और हम लोग बैठे हैं, नानी सब, और बहुत ज़्यादा घर में धुआं हो गया था, क्योंकि आपको पता है कमरे में कराया था, कमरे में तो धुआं होगा ही। तो बस पापा से बात कर रहे हैं, पापा नहीं आए थे, तो आप लोग को पता ही, बहुत ज़्यादा मेरी लड़ाई। मम्मी ने कितना भेदभाव किया है, देखो कितनी गोली है, कितनी काली। गुस्सा है मेरा, बोल रही मेरा, बोल रही पापा का फोन सोना ना थोड़ा, और सोना ये क्या बना रही है? मेरा बोल रही मैं छो
लाइट तो ठीक है, लाइट नहीं चला रखी, तभी नेचुरल लाइट आ रही है। और पता नहीं आज वीडियो मेरा जा पाएगा या नहीं जा पाए, पक्का नहीं है। पर बनाने जल्दी आ, बहुत ज़्यादा धुआं हो गया छत पे जाके। खाना बन रहा है और 12:01 बज गया है खाने के लिए, बहुत धुआं हो रहा है। चलो नीचे जाती हूँ, चलिए अगले वीडियो बनाएंगे, देखते हैं आगे बन पाती है। यहाँ पे मैंने बोला था ना कन्याओं को जिमाई, यहाँ पे सभी कन्याओं को जिमाई। और ये वाली प्लेट अच्छी रहती हैं, वो फोम वाली प्लेट है, सब्जी रखते उठाएं टूट जाती है, थोड़ी प्लास्टिक हार्ड रहती हैं। तो ये इतनी जितनी मतलब 7 कन्याएं हो गई थी, इससे ज़्यादा नहीं मिली थी। तो इन कन्याओं को बिठा दिया है और सब्जी क्या क्या बनाया आप लोगों को बता ही दिया। चिन्नामित और बाल भोग था वो दिया, और पूड़ी पनीर और छोले की सब्जी की थी। इतने ही बर्तन पहुँचे थे और ज़्यादा कुछ नहीं पहुँचा पाए थे। मेन चीज़ थी वहाँ से आना जाना, बहुत मेहनत। और सबकी तबीयत, मेरी आप आवाज़ से सुन रहे होंगे, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, हो चुके अभी भी है, आवाज़ से पता चल रहा होगा। इसके बाद आपको रियल आवाज़ लगेगी और आप कमेंट करके बताइएगा सबसे अच्छा किसने डांस किया। मुझे पता है आप लोग सबसे ज़्यादा पसंद मेरी नानी का करोगे, क्योंकि वो बहुत बूढ़ी हैं और इतनी बूढ़ी बुढ़ापे में भी इतना अच्छा डांस, और मतलब थकी नहीं। थोड़ा सा हम डांस करते कितने ज़्यादा थक जाते। तो नानी के लिए मेरे लिए ढेर सारा सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब बहुत मेहनत करते तो आप सब्सक्राइब तो करके ही जाइएगा, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है, लाइक भी करिएगा। तो सभी कन्याओं को खाना खिलाने के बाद मैं खुद खाना खा लूँगी, मैं मतलब सबको खिला के फिर मैं भी एक थाली में सब लोग ले लेंगे, खा लेंगे। 3 बजे हम लोगों ने खाना खाया है, क्योंकि 2:30 बजे सब ख़त्म हुआ था, सबको खिला फिला फिर हमने 3:30 मतलब पक्का याद नहीं है, जितना है उतना बता रही हूँ, 3:30 इतने का टाइम हो गया होगा। तो चलिए अब यहाँ पे हमने इसके बाद कोई वीडियो नहीं बनाया, शाम को ही बनाया खाना खा के, सब लोग लेट गए थे और मैं कमरे पे चली गई थी कपड़े चेंज करने के लिए। अब आपको रियल वीडियो दिखेंगी, मतलब जो जो हमने मस्ती की है, डांस मस्ती जो भी है। अरे पानी मिल जाएगा।